के दीवाने, सपनों में रोज आए, आज जिंदगी में आना पर एक लकी ड्रा हुआ है, तो उसका लकी ड्रा के लिए अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है और जो स्पॉन्सर से उनका भी काम चल रहा है। ठीक है, ये देखो सभी भाई लोग कैसे वीडियो वगैरह बना रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है। शहीद और शहादत से ये हमारा मातृभूमि का बहुत बड़ा सम्मान है और आज
से। और आज सल्यूट टू द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, सल्यूट टू आर सोल्जर्स जो लौट के घर ना आए और जिन्होंने आखिरी कतरे तक -50 डिग्रीज पे भी जान दी है और +50 डिग्रीज में भी आज भी जान दे रहे ताकि आप और हम सुरक्षित रह सके। पुलवामा का जब अटैक हुआ, मैं एक सिविलियन हूँ, मुझे ये लगा कि तब तक हम 130 करोड़ भारत की जनता रेस्ट इन पीस RIP वी स्टैंड विद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मैंने ये सोचा कि मैं रेस्ट इन पीस उनके घर पर जाके बोलूँगा और एक नमन करूँगा और ये बोलूँगा कि जो मातृभूमि के जो रक्षक थे आज हम उनके लिए उतना आदर रखते हैं। ये बड़ा गर्व की बात है कि आज रिस्पेक्ट फॉर द फोर्सेस। और काफ़ी मीडिया मुझे पूछती है कि सर आप अकेले चलते हो, मैं ये बोलता हूँ कि मेरा परिवार ब्रदरहुड जी को मेरे साथ चलता है। जब पुलवामा की पहले बरसी थी, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक भारतीय नागरिक जब वो जिम्मेदार नागरिक बन जाए देश के प्रति, शहीदों के प्रति और फोर्सेस के प्रति, क्या कर सकता है, ये आपके सामने एक जीवन उदाहरण है। जब मैं 60,000 किलोमीटर ट्रैवल करके मेरी SN कार है उसके पीछे ट्वाली उसके शहीदों की मिट्टी है, जब मैं पुलवामा गया आई वॉज द ओनली इन्वाइटेड गेस्ट, 350 ऑफिसर्स के बीच में ये कोट पहन के मैं खड़ा था, 4 राइडिंग्स कमेटी के बैजेस थे और कुछ फोर्सेस के थे, तो मैंने यही बोला मुझे बस ये मालूम है कि एक माँ ने बेटे को खोया है, वो पत्नी ने अपने पति को, वो बच्चे ने अपने बाप को, वो गांव ने अपने दाद को और देश ने अपने वीर सैनिक को खोया है। और आज तक मैं यही बोलता हूँ कि ये मेरा क्रेडिट नहीं है, ये हमारा ब्रदरहुड रिस्पेक्ट आज तक मैंने बरकरार रखा है। तो थैंक यू ईच एंड एवरीवन। और ये इतिहास है, अंडमान मेरा लास्ट ट्रैवल था, मैं कार और ट्रॉली शिप में लेके गया, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं था ना मेरा कोई राजनीति से कनेक्ट है, लेकिन मैंने ये बोल के दिखाया कि जो नया भारत है वो बोलने में नहीं भूमिका में नहीं उठा सकता है। और आपके सामने मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देश हमसे बनता है और जब तक हम एक्शन में नहीं दिखाएंगे, देशभक्ति फोर्सेस को नहीं समझेगा, तो आप जो सबने जो राइट की है, मुझे बड़ा गर्व है कि एक नई पीढ़ी, एक नई जनरेशन देश के प्रति वो आज भी यूनिटी। इसके बीच में एक सुपरकार भी
भाई दोबारा से एक बार सभी भाई लोग शूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ मेट्रो में आ गए, अब अपने डेस्टिनेशन नेक्स्ट शूट पे चल रहे हैं। वहाँ का देखते हैं कैसे क्या सीन रहता है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू गाइस।